हरदा जिले के खिड़किया में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद औषधालय पड़वा द्वारा ग्राम पड़वा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर कामिनी नागराज द्वारा ग्राम पड़वा की समस्त गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को विशेष स्वास्थ्य सलाह दी, जिसमें स्वच्छता, स्वस्थ आदतें, पोषण आहार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को शिशु जन्म से लेकर 6 माह तक केवल स्तनपान करवाने को प्रोत्साहित किया। किशोरी बालिकाओं को रक्तालता से संबंधित समस्याओं एवं उपचार के बारे में बताया। इस दौरान कार्यशाला में उपस्थित समस्त जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क औषधियों का वितरण किया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान ग्राम पड़वा के 2 कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया। डॉक्टर नागराज द्वारा कुपोषित बच्चों की माताओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण सलाह दी। साथ ही आयुर्वेद औषधि बला तेल से मालिश करने, सुपुष्टि योग का दूध के साथ प्रयोग करने एवं अरविंदासव का सेवन करने को कहा गया। कुपोषित बच्चे के परिजनों को उन्हें NRC में भर्ती करवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यशाला में मलेरिया रोग से बचाव के लिए होम्योपैथी दवाई मलेरिया ऑफ 200 का वितरण भी निःशुल्क सभी को करवाया गया। इस कार्यशाला में शासकीय आयुर्वेद औषधालय पड़वा का समस्त स्टाफ, ANM, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका उपस्थित थे। तो उसके लिए ये होता है कि जन्म से लेकर 6 माह तक क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ माता का दूध ही पिलाना चाहिए, उसको बाहर का कोई भी आहार नहीं देना है, ठीक है। और 6 महीने के बाद ही उसको कोई भी पूरक आहार हमें शुरू करना चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर जब भी हम अपने खाना खाएं या बच्चे को दूध पिलाएं या बच्चे का कोई भी काम करें तो हमको क्या करना चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी तो कोरोना चल रहा है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने हाथों को बार बार अच्छे से साबुन और पानी से धोएं, कितने कम से कम 20 सेकंड तक धोना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि जब भी घर से बाहर निकले अपने मुंह पर क्या करें, कपड़ा बांध के निकले या मास्क लगाएं, जब भी घर के बाहर से आए अपने हाथ पैरों को अच्छे से साफ करें, ठीक है। और बच्चे पर ये है कि जब भी हम उसको कुछ भी खिलाएं तो कटोरी, चम्मच, प्लेट जो भी है उसको भी अच्छे से क्या करें, साफ करें। तो ये स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में मतलब क्या होता है, विवाह कर देते हैं, जल्दी बच्चे होते हैं और हम लोग बच्चों में अंतर भी नहीं रखते। जैसे बच्चा होता है 1-2 साल का हुआ नहीं, हमारा दूसरा बच्चा हो जाता है, तो ये भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि 2 बच्चों में कम से कम कितने साल का अंतर रखें, 3 साल का अंतर रखना है, क्योंकि जब बच्चा 3 साल का होगा तब तक हमारी हालत में भी अच्छे से सुधार हो जाएगा और हम दूसरे बच्चे के लिए भी तैयार हो पाएंगे। और बच्चे कितने होने चाहिए, सिर्फ 2, है ना, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारी सेहत पे ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है और टीकाकरण आपको टाइम पे कराना है, बच्चों को आपको समय समय पर लेकर आना है, उनकी स्वास्थ्य की जांच करानी है। और अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो अपने को कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी हो तो तुरंत कहाँ आना है, अस्पताल आना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपने से किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए, आहार के बारे में, बच्चों के बारे में या किसी भी प्रकार की और कोई समस्या है तो बताएं। अच्छा, कौन से बच्चे थे ना यहाँ पे जो कुपोषित थे? कितने साल के हैं, इनकी उम्र कितनी है? 1 साल क्या हो गया, और इसका वजन कितना है? 6 किलो 5 तो वजन के हिसाब से आप इसको, जैसे 6 महीने के हो गए तो आप इसको क्या क्या खिला रहे हो? आप माँ का दूध तो पिलाते हैं और इसके साथ साथ क्या खिला रहे हो आप? सब खिलाते तो खाते हैं ये, उसको मगर पतला करके खिलाना है ना, हाँ कुछ भी पतला करके खिलाना है, एकदम ऐसे सूखा सूखा नहीं देना है। कुछ भी बना रहे हैं तो थोड़ा खीर टाइप में बना के और उसको हर 2-2 घंटे में खिलाना है अपने को, ठीक। तो एक काम कर रहा है, आप जैसे आप हैं तो आपके लिए ये बच्चों को ये दीजिए, कुपोषित बच्चों के लिए है। हेलो जी मैम।